नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। कोरोना की नई लहर ने अब पूरे देश को जकड़ लिया है। हर बीतते दिन के साथ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आज एक दिन में नए केस का आंकड़ा 1,84,000 को पार कर गया। कोरोना की मार कैसी है, इसे सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोनों आज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दोनों ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कोरोना की ऐसी रफ्तार को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलाई बैठक में CBSE की 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला कर दिया गया, जबकि 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल टाल दी गई हैं। इन्हीं हालात में महाराष्ट्र में पूरे राज्य में आज रात 8 बजे से ब्रेक द चेन के तहत सख्त पाबंदियां लागू कर दी जाएंगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ छूट दी गई है। महाराष्ट्र अगले 15 दिन तक एक तरीके से लॉकडाउन जैसे हालात में रहेगा, लेकिन बाकी राज्य जहां हालात बिगड़ रहे हैं वहां क्या होगा, खासकर यूपी और दिल्ली जैसे राज्यों में। इसलिए आज दंगल में हम बड़ा सीधा सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र के बाद क्या अब दिल्ली और यूपी में भी लॉकडाउन की परिस्थितियां बन रही हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप ये समझ सके कि आखिर ये सवाल पूछने की नौबत क्यों आ रही है। कोरोना के आगे व्यवस्थाएं पस्त हैं, क्योंकि कोरोना हर दिन पहले से अधिक ज्यादा विकराल रूप रखकर सामने आ रहा है। जो राज्य कल तक महाराष्ट्र से संक्रमण के मामलों में बहुत पीछे थे, वहां भी धीरे धीरे कर कोरोना के नए मामलों ने रफ्तार बढ़ा दी है। कोरोना से प्रभावित 8 बड़े सूबों में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां नए केस 60,212 आए हैं। यूपी में एक दिन में नए केस 17,963 हैं। छत्तीसगढ़ में नए केस 15,121, दिल्ली में नए केस 13,468, मध्य प्रदेश में नए केस 8,998, कर्नाटक में नए केस 8,778, केरल में नए केस 7,515 और तमिलनाडु में नए केस 6,984 आए हैं। कोविड एक नया वायरस जो 1.25 साल पहले देश और दुनिया के सामने आया, उससे बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कोविड अनुरूप व्यवहार। किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की बात मैं नहीं करता, लेकिन जहां कहीं भी ये सारे नियमों को पालन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए, वो कोविड के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से वो खतरनाक है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात है। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की मार दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इन हालातों में आम आदमी के लिए मुश्किल होना तय है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ में सरकार और प्रशासन के आगे कोरोना की टेस्टिंग और अस्पतालों में पूरे इंतजाम एक बड़ी चुनौती के साथ सामने आ रही है। हम मौजूद है लखनऊ के लोहिया अस्पताल में, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी लाइनें लोगों की लगी है जो कोरोना की टेस्टिंग के लिए आए हैं, लेकिन काउंटर्स की कमी और जिस तरीके से लंबी लंबी वेटिंग यहां पर हो रही है, वो एक बड़ी समस्या के तौर पर लोगों के सामने है। हालांकि जिस तरीके से लगातार मामलों में इजाफा हुआ है, सरकार भी कह रही है कि OPDs को 7 जिलों में रोक दिया जाए, जो इमरजेंसी सर्विसेज है उन्हीं को उपयोग में लिया जाए, ज्यादा ध्यान कोविड की जांचों पर हो। मध्य प्रदेश में कोरोना अब बेलगाम होता जा रहा है, इसकी तस्दीक खुद स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े कर रहे हैं। बीते 24 घंटों की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 8,998 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जो कि इस साल का यानी साल 2021 का कोरोना के नए मामलों में सबसे बड़ा उछाल है। ये इसलिए ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि पॉजिटिविटी रेट भी अब बढ़ के करीब करीब 20% हो गया है, यानी हर रोज़ जो पॉजिटिविटी रेट है मध्य प्रदेश का, जितने टेस्ट हो रहे हैं उनमें से जो पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, उसका आंकड़ा लगातार 2% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कोरोना के हाल से बेहाल महाराष्ट्र ने आज रात 8 बजे से 15 दिनों का ब्रेक द चेन मुहिम चलाने का फैसला किया है। इसकी पाबंदियां एक तरह से लॉकडाउन जैसी ही हैं, जहां जरूरी सेवाओं को छोड़कर एक तरह से तालाबंदी ही लागू हो रही है। महाराष्ट्र के अलावा कई अन्य राज्यों में भी ढेरो पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन देश के मन में ये सवाल घर करने लगा है कि क्या अब संपूर्ण लॉकडाउन की नौबत आ गई है।
खासकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में जहां हालात सबसे ज्यादा बिगड़ने की आशंका है, क्या वहां पर पाबंदियों का नया ऐलान जल्द होगा? क्या वहां पर पाबंदियों के नए ऐलान जल्द करने पड़ेंगे? दिल्ली से कुमार कुणाल और लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल